हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनाइट करियर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आईपीयू की 14 जुलाई की तीन बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, ये अपडेट जिन स्टूडेंट ने BAMS या BHMS के लिए अप्लाई किया है उनके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, या वे स्टूडेंट जो भी वोकेशनल कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो जाने के लिए आज का वीडियो पूरा का पूरा जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला अपडेट उन स्टूडेंट के लिए है जो भी वोकेशनल कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आईपीयू से, जिसका CET कोड 200 है। इन्होंने बता रखा है कि इसके स्टार्ट होने की डेट 29 जून थी, इसकी लास्ट डेट 24 जुलाई है। यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि जो इंडियन एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है उनकी लिस्ट 26 जुलाई को वेबसाइट पर दिखाई जाएगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की का शेड्यूल 27 जुलाई को बताया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 29 जुलाई से स्टार्ट होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट आप लोगों की 2 अगस्त को आ जाएगी। तो दोस्तों, ये थी पहली अपडेट। दोस्तों, दूसरी अपडेट उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने BHMS के लिए अप्लाई किया हुआ, जिसका CET कोड 154 है। उसके लिए उसकी जो ऑफलाइन काउंसलिंग है उसके पहले राउंड का शेड्यूल इन्होंने बता दिया है, तो वही इसकी अपडेट है। इन्होंने बता रखा है कि आपकी जो काउंसलिंग होगी वो 15 जुलाई से स्टार्ट होगी, यानी कि कल इसकी काउंसलिंग है, ऑफलाइन है, 2:30 बजे से स्टार्ट होगी। और इसका जो वेन्यू है वो है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, द्वारका, सेक्टर 16C। आप लोगों को वहाँ पे जाके इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सीट अलॉटमेंट का पूरा जो भी शेड्यूल है वो आप लोगों को वहीं पे इसे फॉलो करना होगा। इन्होंने नीचे बता रखा है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, आप लोग यहाँ पे आके वो भी देख सकते हैं, और डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को क्या क्या लेके जाने, सब कुछ इन्होंने इसमें बता रखा था। आप लोग इसे एक बार जरूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, हम बात करते हैं अपने तीसरी अपडेट के लिए। ये उन स्टूडेंट के लिए जरूरी है जिन्होंने BAMS के लिए अप्लाई किया हुआ है, जिसका CET कोड 153 है। इसके लिए भी ऑफलाइन काउंसलिंग का पहले राउंड का शेड्यूल इन्होंने बता दिया है, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसका भी जो काउंसलिंग है वो 15 जुलाई से स्टार्ट होगा, दोपहर के 12 बजे से स्टार्ट होगा। बाकी पूरी टाइमिंग इन्होंने यहाँ पर बता रखी है। इसका भी वेन्यू गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कैंपस, सेक्टर 16C, द्वारका, नई दिल्ली है। ये इसका वेन्यू है काउंसलिंग के लिए। और यहाँ पर इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बता रखी हैं जो आप लोगों को जानना जरूरी है, जैसे कि कुछ एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होगा, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, कुछ गाइडलाइंस इन्होंने बता रखी है, और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो सब कुछ इन्होंने बता रखा था। आप लोग यहाँ पर आके पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी थर्ड अपडेट। तो दोस्तों, ये थी 14 जुलाई की तीन बड़ी अपडेट जो मैंने आप लोगों को बताना जरूरी समझा। और अगर आप इन्हें डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और अगर आप इसी तरह की अपडेट जानना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को सारी अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो आई होप आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और वीडियो को देखने के बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब 24 घंटे के अंदर जरूर से जरूर दूंगा।